दोस्तों, किसान इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। और आज हम वीडियो में आपको कुछ नया बताने वाले हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास एक एलईडी बल्ब और फैन कैपेसिटर है। इसका इसके साथ कनेक्शन करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, वीडियो में आज हम बताने वाले हैं आपको। ये देख सकते हैं ये रिमूवल कंपनी का और 3 वाट का एलईडी बल्ब है और ये पंखा में उपयोग होने वाला 3.15 MFT का कैपेसिटर है। इसमें कोई माइनस कोई प्लस नहीं होता है। इसमें डैग एस ब्रेक काम करता है और ये मार्केट के अंदर आपको 20 से 25 रुपए के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, बल्ब और कैपेसिटर को एक साथ कनेक्शन करने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा, मैं आपको बता दूं। जब भी हमारे घर में लाइट कभी 100 वोल्टेज तो कभी 50 वोल्टेज तो कभी 200 वोल्टेज कभी 250 कभी 300 वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या करता है कि अपने अंदर लाइट को स्टोर करके और ये इसको उसी हिसाब से देता है इसकी जिसको जितनी ज़रूरत है। और इसी तरह आप वीडियो में ऊपर देख सकते हैं, ये भी एक कैपेसिटर है जो 3 फेस मोटर को अपने अंदर लाइट को स्टोर करके और समथिंग 3 फेसों में बराबर भेजता है। और ये भी इसी तरह लाइट को अपने अंदर स्टोर करके इसको समथिंग लाइट भेजता है। और इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं होता तो क्या होता है कि जैसे ही लाइट कम और ज़्यादा आएगी उसी हिसाब से हमारा बल्ब भी कम और ज़्यादा ग्लो करेगा। दोस्तों, अब इसके हम कर लेंगे कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब एक होल्डर लेंगे, इसको हम कर लेंगे ओपन। इसमें हम जब सादा कनेक्शन भी करते हैं तो इस पर एक पर माइनस वायर लगता है और एक पर प्लस वायर लगता है। और हम अब क्या करेंगे कि एक कैपेसिटर का वायर और होल्डर के कैप में निकाल लेंगे और ये इसके होल्डर के टर्मिनल में एक में लगा देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये मैंने एक प्लग में एक ये वायर लगा के तैयार कर लिया है। एक वायर लेंगे और इसके कैप में डाल लेंगे और होल्डर के दूसरे टर्मिनल पर हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि ये वर्क करते हुए स्पायरिंग ना करे। अब क्या होगा दोस्तों, हमारा एक वायर कैपेसिटर का और एक वायर प्लग का बचेगा जो इसके साथ अच्छे से हम ट्विस्ट कर देंगे, अच्छे से ट्विस्ट कर देंगे। और इसकी सेफ्टी के लिए इसके ऊपर या हम टैप लेंगे या हीटिंग सेल्फ, इस तरह से हीटिंग सेल्फ पाइप चढ़ा देंगे इस तरह से। और अब इसके होल्डर के कैप को इसके ऊपर अच्छे से टाइट कर देंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं हमारा कनेक्शन तैयार हो गया है। और हम अब बल्ब लेंगे, बल्ब को इस होल्डर में लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम लेंगे अपना पावर बोर्ड इसे टेस्ट करने के लिए और इस प्लग को हम पावर बोर्ड में लगा देंगे और इसको कर लेंगे टेस्ट। तो देखो ये यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। और आप इसी तरह कनेक्शन करके अपने घर में अपने एलईडी बल्बों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और पूरी वीडियो वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।